हेलो एवरीवन, विशाली हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस यास्मीन के हेयर स्टाइल। सो एक सीरियल आता है यास्मीन, आई डोंट नो सीरियल का नाम क्या है। सो उस सीरियल में अवनीत कौर यास्मीन का करेक्टर पहले प्ले कर रहे थे। सो उन्हीं के मैं तीन हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो उसमें मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक और पार्ट लाऊं उसका। सो ये है उसका पार्ट टू। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी एंड आप और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। सो गाइस, आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि मैं वहां पे भी हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ, अपलोड करती हूँ। सो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हेयर स्टाइल बनाने में आती है मानसून सीजन में, क्योंकि इस टाइम पे मेरे हेयर फ्रीजी, ड्राई और डल हो जाते हैं, आप देख सकते हो। सो उसके लिए मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस 10-in-1 मिरेकल नो पैराबिन मिनरल ऑयल हेयर रिवाइटलाइजर मिस्ट स्प्रे। सो आप इसको हेयर की लेंथ पर लगा सकते हो, बट इसके साथ ही आप इसको स्कैल्प पर भी यूज़ कर सकते हो। इसके बड़े सारे बेनिफिट्स हैं गाइज, वो सब आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, क्योंकि ना तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है और ना ही ये कोई रिव्यू वीडियो है। बस क्योंकि पर्सनली मुझे ये सीरम से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना सिर्फ ये मेरे हेयर को शाइनी, स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है, बल्कि स्कैल्प को मेरे नरिश रखता है। एंड गाइज, एक और चीज़, मुझे ना हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम थोड़ी हो रही थी, सो ये उनको भी सही रखता है, बालों को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे जो हेयर है वो स्ट्रांग बनते हैं। अच्छा, ऑयली नहीं है ये, बल्कि वॉटरी सा है। सो आप इसको लगाकर कॉम कर लो एंड वोला, जस्ट लुक एट माय हेयर गाइस, हाईली हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल पे चलते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल साइड पार्टीशन करनी है बालों की, एंड देन राइट साइड से पहले बालों का एक छोटा सा सेक्शन लेना है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करें, अब सेकंड सेक्शन लें एंड इसको ओवरलैप करना है फर्स्ट वाले से, ठीक है। अब जो थर्ड सेक्शन लेंगे उसको फर्स्ट वाला जो हमने लिया था उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे एंड सेकंड वाले को ओवरलैप करेंगे सेकंड वाले से। अब सेम आपको इसी तरीके से बालों का सेक्शन लेते जाना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं आगे की तरफ से बालों को छोड़ रही हूँ एंड थोड़ा पीछे पीछे से अपने बालों को ले रही हूँ सेक्शन को। अब यहाँ तक लेने के बाद में जो हमारे हेयर के दो पार्टीशन है उसको ट्विस्ट करके नीचे तक ट्विस्ट कर लेंगे एक बार, और फिर इसको आप रबर से सिक्योर कर लो। साइड से थोड़े से बालों को लेंगे। अब क्राउन वाले पार्ट को उठाएंगे थोड़े से बालों को, एंड जो हमने अभी बाल लिए हैं इसे उसके नीचे लेके जाएंगे, ताकि हम जब रबर लगा दें तो ये क्राउन वाले पार्ट को हम वापस से पीछे कर देंगे, तो हमने जो रबर लगाया है वो बैक साइड से विजिबल नहीं होगा। सो गाइस, हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल रेडी है। You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back. Second hairstyle के लिए again side partition करेंगी बालों की। अब पीछे के जो क्राउन वाला पार्ट होता है वहाँ से हेयर को लेंगे, उसको कॉम करके स्मूथ कर लो या फिंगर से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें बन बनाना है, इसके बाद इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब जो हमने साइड वाले हेयर को लिया है वहाँ से आपको पहले लेफ्ट वाली साइड से थोड़े से हेयर को लेना है, अब राइट वाली साइड से भी हम थोड़े से हेयर को लेंगे। अब इसे लेफ्ट वाली साइड पर ले जाकर ट्विस्ट करेंगे। थोड़े से बालों को निकालते हुए इन दोनों पार्ट्स को लेकर पीछे हमें पिन से सिक्योर करना है इसको। अब राइट वाली साइड से थोड़े से हेयर को लेंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे और इसे पीछे पिन से सिक्योर करेंगे। अब यहीं से आपको थोड़े से बालों को और लेना है, इसे भी ट्विस्ट करेंगे और पीछे हम इसे सिक्योर करेंगे जो हमने पहले पिन लगाई थी उसी के साथ। एंड इसी के साथ हमारा सेकंड हेयर स्टाइल भी रेडी है। सो
अच्छा, थर्ड हेयर स्टाइल के लिए साइड पार्टीशन करनी है बालों की, एंड दोनों साइड से मैं थोड़े थोड़े बालों को आगे की तरफ कर रही हूँ, एंड पीछे हमें अगेन पफ बनाना है। सो क्राउन वाले पार्ट को हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे कॉम से और पफ क्रिएट करेंगे, पिन से सिक्योर कर लेंगे। जो हमारा लेफ्ट वाला साइड है उसको स्मूथ करें और पीछे बैक पे जो हमने पहले पिन लगाई थी उसी के साथ इसको सिक्योर करेंगे। अब राइट वाली साइड से थोड़े से बालों का सेक्शन लेना है, इसे तीन पार्ट में डिवाइड करके नॉर्मल ब्रेड बनानी है, लेकिन फ्रंट से थोड़े थोड़े बालों को ऐड करते जाना है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ जो बाल हैं उसे आगे ही रहने देंगे, वहां से नहीं लेंगे। अब इसे बाकी वाले जो बाल हैं हमारे उनके साथ पहले बाकी बालों को स्मूथ कर लो और जो हमने ब्रेड बनाई थी उसके साथ इसे बैक में पिन से सिक्योर कर लेंगे, एंड हमारा हेयर स्टाइल रेडी है। सो गाइस, तीनों ही हेयर स्टाइल मैंने इजी वे में बताने की कोशिश की है, क्विक हैं, इजीली बन जाएंगे। ये हेयर स्टाइल गाउन और लहंगा के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन बाय, टेक केयर।